हेलो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय नॉलेज में। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं घर में ततैया आना शुभ होता है या अशुभ होता है। अगर उनके घर में ततैया अपना घर बना लेती है तो इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या ततैया अचानक उनको काट लेती है तो इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब चलिए बात कर लेते हैं ततैया का घर में आना आपके लिए क्या संकेत लाता है। अगर प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक रूप से देखें तो ततैया का आना घर में बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर ततैया अगर आपको काट लेती है तो आपका वह हिस्सा दर्द के साथ सूज भी जाता है और 3-4 दिन के लिए वह हिस्सा सूजा रहता है। ये तो प्रत्यक्ष रूप से आपको हानि होती है। दूसरा प्रत्यक्ष रूप से ये हानि होती है, ततैया अपना जहाँ भी घर बनाती है तो आपको वहाँ जाने से सदैव खतरा बना रहता है कि ततैया आप पर अटैक ना कर दे। और दूसरी बात ये रहती है कि ततैया जिस जगह पर अपना घर बनाती है वहाँ पर देखने में बहुत बुरा लगता है और गंदगी भी लगती है। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ हानि हो गई। अब पौराणिक दृष्टि से हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में जो है ततैया अपना घर बनाती है तो इसका क्या मतलब होता है, छत्ता लगाती है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम सामुद्रिक शास्त्र की बात माने तो ऐसा माना जाता है ततैया जिस भी घर में अपना घर बनाती है उस घर में जो है धन की किल्लत बढ़ सकती है, आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है, आपके घर में जो है नौकरी के साथ में जो अगर व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, जैसे पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। इसके अलावा संबंधियों के प्रति जो है आपका नज़रिया बदल सकता है, आपके मन में नफरत उनके प्रति आ सकती है और अनायास रूप से आपका जो है व्यक्तित्व आपका स्वभाव नकारात्मक रूप से परिवर्तित हो सकता है। अब वहीं बात कर लेते हैं ततैया अनायास रूप से आपको काट जाती है तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आपको ततैया अनायास रूप से काट लेती है और आपने जैसे कोई ऐसी खुरापात नहीं करी जिससे आपको ततैया पर कोई गुस्सा आए या ततैया को आप हानि पहुंचाने की कोशिश करें और फिर भी आपको ततैया जो है अपटेक कर दे और आपको काट ले तो यह क्या संकेत देता है। अगर ऐसा इंसिडेंट अगर आपके साथ होता है तो सावधान हो जाइए, यह इस बात को संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके जो हैं गुप्त शत्रु वे शत्रु जैसे अपने आप संबंधी होते हैं और वह आपका भीतरघात करने की कोशिश में लगे रहते हैं, आपके प्रति जो है हानि पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करते रहते हैं। वैसे जो भीतर शत्रु होते हैं वह आपके प्रति षड्यंत्र में कामयाब हो सकते हैं और आपको हानि पहुंचा सकते हैं। व्यापार वगैरह में अगर आपके कंपटीटर हैं और आपका मन ही मन में जो है अहित चाहते हैं वो कामयाब हो सकते हैं, इसलिए आपको जो है थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ये इस बात का संकेत देता है। इसके अलावा ये भी संकेत देता है कि आपको जो है यात्रा वगैरह जो है सावधानी के साथ करनी चाहिए, वरना आपको जो है यात्रा के दौरान चोटें भी आ सकती हैं, आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, ये इस बात की ओर संकेत देता है। अब बात कर लेते हैं कि घर में जो है ततैया बराबर आ रही है और आपने जो है छत्ते वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं फिर भी ततैया का आगमन कम नहीं हो पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने घर के पायदान पर फिटकरी का आप जो है टुकड़ा दबा लीजिए, इससे नकारात्मक एनर्जी जो है आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और थोड़ा सावधान रहिए और अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन कीजिए, किसी से बेवजह उलझने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।